भूखी लगी है, मम्मा भूखी लगी है, मम्मा भूखी लगी है। वे ओ सैरू ना भी उंजी करन रही है जीरक, मम्मा भूखी लगी है। मैंने के लिए दूध लेके आए, लेके आए नहीं बहनी, फिर रोई करेगी नहीं करेगी रोई, दे दे दूध बना के लाऊं, वो देख बहनी लोइया करेगी छेड़न दिया। एवी कह दें ला 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 दो लाओ दो, बहनी के लिए दूध लेके आए ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वे ओ सैरू ना भी उंजी करन रही है, चल सर फिर कर। अपनी गोद से बैठा लाना पीछे। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, होप करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज घर में आई हैं फजर की दादो, पुप्पो, चाचू और क्यूट सा जीरक। तो आइए देखते हैं आज का व्लॉग। ओए ओए रुच गए हो, नहीं देखना उठता के मैं आप ही उठता। एक लड़का रुस्सा हुआ और तो हसन दिया। अच्छा किसने दूध पीना है, किसने? पुप्पो को देना है, पुप्पो को दो, पुप्पो को दो, पुप्पो को। दस दे की खाना है, गुड़ वाले चावल बनावा, बना लो। अच्छा भी फजर की पुप्पो को बड़े पसंद है गुड़ वाले चावल, तो मैंने अभी झटपट गुड़ वाले चावल बनाने हैं। मुझे मिले हैं सिर्फ 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स में मैंने गुड़ वाले चावल बनाने। रात का टाइम है, रात के टाइम में मेरे मोबाइल का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, तो रात की वीडियोस इसमें इतनी अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पर बन रहे हैं गुड़ वाले चावल। मैंने भी गुड़ डाल दिए, तो गुड़ बिल्कुल इसमें मेल्ट हो गया। अभी मैं इसको चावल डाल के बंद कर दूंगी। गुड़ वाले टेस्टी चावल हो गए हैं रेडी, जो कि फजर के पुप्पो के लिए मैंने बनाए हैं। और मिस यू नासर भाई, आपने जब मैं बना रही थी ये गुड़ वाले चावल, तो नासर भाई का फ़ोन आया था लाहौर से कि भाजी क्या कर रही हो। मैंने कहा मैं गुड़ वाले चावल बना रही हूँ, तो बोला कि मुझे तो बहुत पसंद है। तो मैंने कहा कि चले ठीक है, नेक्स्ट टाइम में जब नासर भाई यहाँ पे आएंगे तो उनके लिए भी मैं बनाऊंगी ये गुड़ वाले चावल। अगर दाल डाले तो और भी टेस्ट बन जाता है इनका। और साथ में मैंने डाली है सौंफ, सौंफ की इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, वाह क्या बात है। अभी चावल देने लगी हूँ फजर की पुप्पो को, और देखते हैं पुप्पो को कैसे लगते हैं चावल। कैसे हैं पुप्पो बताएं जरा, किसी काम के नहीं। अच्छा इस पुप्पो की और मेरी नोक झोंक तो रहती है, है तो मेरे से ये बहुत छोटी, लेकिन लड़ती ही ऐसी है जैसे मेरी दादी अम्मा। वाओ भाभी बहुत मजेदार नहीं बने। इसे की ये सीवारी बात है। की लेना? दही रायते वास्ते। डिनर के बाद तो अम्मी चली गई वापस, क्योंकि सुबह सुबह उन्होंने गांव में जाना था, तो इसलिए सारे चले गए वापस। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती है फिर अगले व्लॉग में। बाय बाय।